जय मसीह की। सारे प्रिय मसीह भाई बहनों को आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। तो राखी सावंत जो बस YouTube पर और Instagram पर या फिर कहीं पर भी पोस्ट करते रहती हैं कि वो चर्च में जाती है, प्रार्थना करती है, प्रभु पे भरोसा करती है, ऐसा करती है। अभी उन्होंने शादी करके इस्लाम को कबूल किया, नहीं कर पाई। जैसे आपने हमारी सुरक्षा की प्रभु, हमारी सुरक्षा की प्रभु, हम मसीह परिवार की सुरक्षा की, यहोवा के परिवार की सुरक्षा की, वैसे अन्य जाति या अन्य ये महामारी को जितना हो सके प्रभु हटा दे पिता, लोगों को फिर से एक बार मौका दे प्रभु। वो कुछ भी अगर करती भी होगी, हमारे क्रिश्चियन यूट्यूबर्स उसे वीडियो बनाकर राखी सावंत की अद्भुत प्रार्थना, सामर्थ्य प्रार्थना, राखी सावंत ने आज यहाँ चर्च में गया, ये प्रार्थना किया, वो प्रार्थना किया करके यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं, उससे वो लोग को लाखों व्यूज़ मिल जाते हैं, 3 लाख व्यूज़, 4 लाख व्यूज़, 1 मिलियन व्यूज़ मिल जाते हैं ऐसे उन लोगों को। सो वही लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, राखी सावंत यीशु मसीह को अपनाई है या फिर प्रार्थना कर रही है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। राखी सावंत इज ए नॉर्मल, वो एक नॉर्मल है आपके तरह मेरे तरह, वो एक ह्यूमन बींग है, ठीक है। सो उन्होंने यीशु मसीह को मुंह से शब्द से बोल दिया यीशु मसीह ऐसा है, बड़ी बात नहीं है वो। अभी उन्होंने शादी करके इस्लाम को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया ये मैंने बोल रहा हूँ, सोर्सेस का कहना है, क्योंकि उनका नाम राखी सावंत था, उन्होंने फातिमा में बदला है। सारे मसीही लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये हम ये बिना सोर्सेस के नहीं बोल रहे, कई सारे सोर्सेस हैं, न्यूज़ में भी आ रहा है कि उन्होंने शादी कर लिया किसी मुस्लिम इस्लामिक व्यक्ति से और इस्लाम के नाम से वो कन्वर्ट हुई है और ऐसा करके बोला जा रहा है। सारे मसीह जवान लोग या फिर जो भी वो यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सो वो सारे लोगों को तमाचा लग गया, अब तो शर्म करो, ऐसे वीडियोस मत डालो, तुम्हारी वजह से परमेश्वर का नाम खराब होता है। अभी वो वीडियोस के कमेंट में जाके देखोगे तो कुछ इस्लामिक लोग आकर उस कमेंट में क्या बोल रहे हैं, अरे राखी सावंत ने एक क्रिश्चियन नीति को छोड़ दिया, इस्लाम को कबूल किया, अभी क्या तुम लोग ये वीडियो डाल रहे हो, ऐसा करके वो कमेंट कर रहे हैं। अभी आके देखोगे तो मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके आप परमेश्वर के बारे में सुसमाचार जब कर रहे हो तो आप सुसमाचार अच्छे तरीके से करो। ये तरीका अगर कोई टेस्टिमनी है तो आप उसे अपलोड करें, कोई बात नहीं है। प्रार्थना कर दी राखी सावंत, वो प्रार्थना करते ठीक है, वो आशीष की प्रार्थना करते ठीक है, वो क्या करते बाकी सब देख रहे हो आप इंस्टाग्राम पे उसके, मैंने देख रहा हूँ, बट उनके कई सारी कुछ वीडियोस आप देखोगे नहीं तो भी वो आ जाएगा। वो कुछ भी करते रहती है उनके मूड के हिसाब से। वैसे इन्होंने ये भी किया, मैं इससे नाराज़ नहीं हूँ कि वो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर इस्लाम में चली गई, वो उनकी मर्जी है भाई, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, मैं उससे थोड़ी ऐतराज़ कर रहा हूँ, पर मुझे ऐतराज़ मसीही लोगों से इस बात पर है कि वो कुछ भी कर रहे थे, ये लोग एकदम उसे एक बड़ा सा इशू बना रहे, राखी सावंत ने प्रभु का नाम मुँह से बोल दिया, मुँह से नहीं तो कहाँ से बोलेंगे। मसीही लोगों में बदलाव आने की ज़रूरत है और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं सच में ये लोग के सिर्फ व्यूज़ के लिए ये काम करते हैं, तो ज़रूर ये बदलना चाहिए कि आप इतना कमा लोगे प्रभु के नाम को अपमान करके तो पेट नहीं भरने वाला है। याद करिए, प्रभु के नाम को बर्बाद करने से पहले सवाल करिए मन में, जय मसीह, यीशु मसीह की जय।